आज हम लोग इस वीडियो में पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स का आधार वेरिफिकेशन एंड EKYC के बारे में पूरा प्रोसेस देखेंगे चार्ट की मदद से। जैसा कि आप सभी लोगों को विभाग के तरफ से लेटर भी जारी किया गया होगा कि जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं वो अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ जो लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन अपने पोषण ट्रैकर ऐप में किए होंगे उनका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए भी बोला जा रहा होगा। तो आज इस वीडियो में आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप चार्ट की मदद से समझाने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स का आधार वेरिफिकेशन एंड EKYC करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग चार्ट की मदद से देखेंगे कि लाभार्थियों का मोबाइल वेरीफाई कैसे करना है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे होम पेज पे वेरीफाई मोबाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो भी लाभार्थी है जिनका मोबाइल नंबर अनवेरीफाइड है इस प्रकार से उनका लिस्ट शो हो जाएगा। आपको क्या करना है, जिस भी लाभार्थी का मोबाइल वेरिफिकेशन करना है उसके राइट साइड के कोने में यहाँ पे वेरीफाई का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने हाई मोबाइल का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यानी कि जिस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते हुए जो नंबर आपने उस टाइम डाला हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक और पेज खुल के आ जाएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर यानी कि OTP डालने का एक ऑप्शन आएगा। तो जिस भी लाभार्थी का आप मोबाइल वेरिफिकेशन कर रहे हैं उस लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP गया है, चार अंकों का OTP आपको उनसे लेके यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP वेरीफाई करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि उस लाभार्थी का जो मोबाइल नंबर है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसी प्रकार से जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी लाभार्थियों का लिस्ट उसमें शो हो रहा है उन सभी का बारी बारी से आप लोगों को मोबाइल वेरीफिकेशन कर लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर्स यानी आंगनबाड़ी सेविका का प्रोफाइल अपडेट करने के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कीजिएगा और मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और चेक करना है कि आंगनवाड़ी सेविका का प्रोफाइल अपडेट हुआ है या नहीं। अगर आंगनवाड़ी सेविका का प्रोफाइल अपडेट हो गया है तो इस प्रकार से आप लोगों को मैसेज देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रकार से उनका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन में डबल टिक लगा हुआ आएगा, आधार वेरिफिकेशन में डबल टिक लगा हुआ आएगा और जो भी इनकी डिटेल्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप सेविका है और आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है यानी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है तो कैसे करना है इसको आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोगों को सेविका का प्रोफाइल अपडेट करने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख के आधार को अपडेट करना है। पहला है आधार नंबर, दूसरा है नेम एज पर द आधार, तीसरा है डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार। यानी कि ये तीन चीज़ों को मिला के आप लोग सेविका का प्रोफाइल अपडेट आसानी से कर पाएंगे। आपको क्या करना है, व्यू प्रोफाइल पे फिर से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स खुल के आएगा, यानी मेरा प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें एकदम सही सही भरनी है, आधार नंबर, जो सेविका का नाम है जो आधार कार्ड पे दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पे सही सही स्पेलिंग मिलाते हुए लिखना है, डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आधार पे दिया गया है, ठीक है। इतना भरने के बाद आपको क्या करना है, और नीचे एक सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा, अकाउंट सक्सेसफुली अपडेटेड, प्लीज़ री लॉग इन टू व्यू अपडेटेड प्रोफाइल। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिस सेविका का प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा उनके आधार नंबर के आगे यहाँ पे डबल ग्रीन टिक लग जाएगा, यानी कि उनका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को
सेविका का जो प्रोफाइल अपडेट है वो कंप्लीट कर लेना है। अगर बाय द वे कोई कारण से आप लोगों का आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है तो इस प्रकार से आप लोगों को पॉपअप देखने को मिलेगा, योर प्रीवियस अटेम्प्ट टू वेरीफाई आधार फेल्ड। जो आप लोग आधार का डिटेल्स डाले हैं वो आधार का डिटेल्स मिसमैच होने के कारण आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं हो पाया है। सही सही डिटेल्स भर के आप लोग प्रोफाइल अपडेट को कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे AWS प्रोफाइल यानी कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स का प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे फिर से मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आ जाना है। यहाँ पे दिखेगा अपडेट AWS प्रोफाइल, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोगों को इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आंगनवाड़ी सहायिका का जो प्रोफाइल है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी डिटेल्स आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जेंडर मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें डाल के आप लोगों को यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सहायिका का जो डिटेल्स है उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, आंगनवाड़ी सहायिका का प्रोफाइल एड या अपडेट करने के लिए आपको फिर से मोर वाले ऑप्शन में आ जाना है। मोर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आंगनवाड़ी हेल्पर का जो प्रोफाइल है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ को भरना मैंडेटरी है, जैसे कि आधार नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ एज फॉर आधार, यानी कि आधार के अनुसार उनका जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप लोग भरेंगे। भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से फिर से पॉपअप खुल के आ जाएगा, अकाउंट सक्सेसफुली अपडेटेड, प्लीज री लॉग इन टू व्यू अपडेट प्रोफाइल, यानी कि फिर से इनका जो व्यू प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग सेविका का प्रोफाइल अपडेट करेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे सहायिका का भी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके देखेंगे कि जो सहायिका है उनका यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन में ऑल ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कि इनका भी प्रोफाइल अपडेट 100% सक्सेसफुली हो चुका है। अगर कोई भी रीज़न होता है जैसे कि फेलियर का रीज़न आप लोगों को देखने को मिलता है तो आधार की डिटेल्स आप लोगों को मैच करा लेनी है। अगर आधार में कोई भी डिटेल्स गलत होगी जिसके कारण आप लोगों को यहाँ पे आधार फेल्ड का मैसेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे EKYC आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का करने वाले हैं। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे EKYC करेंगे। EKYC कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको क्या करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करने के बाद मोर वाले ऑप्शन में आने के बाद सेविका का व्यू प्रोफाइल ओपन कर लेना है। व्यू प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट EKYC, ब्लू कलर का जो निशान दिया गया है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कंप्लीट EKYC, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से मेरी पहचान का एक पेज खुल के आएगा जहां पे आप लोगों को बोला जा रहा है इंटर द करेक्ट आधार नंबर कैप्चा एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। यहां पे आप लोगों को आधार नंबर और जैसा कैप्चा कोड दिया गया है वैसा कैप्चा कोड इस बॉक्स में डाल के यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल के आएगा, OTP विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार, क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो नंबर लिंक होगा उसी नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डाल के आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ DigiLocker, यानी कि ऐसा मैसेज देखने को मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पे 6 डिजिट का पिन बना लेना होगा। अगर जिनका भी अकाउंट पहले से नहीं होगा आप लोग यहाँ पे 6 डिजिट का पिन बनाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे EKYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिनका पहले से यहाँ पे DigiLocker में अकाउंट बना होगा उनको भी यहाँ पे 6 डिजिट का पिन बना लेना है। बना लेने के बाद यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक और पॉपअप खुल के आएगा जहाँ कि आप लोगों को फिर से 6 डिजिट का पिन बनाने का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे फॉरगेट योर DigiLocker सिक्योरिटी पिन, क्लिक ऑन फॉरगेट सिक्योरिटी पिन टू रीसेट इट एंड री अगेन एक्सेस टू योर अकाउंट, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके आपको फिर से एक नया सिक्योरिटी पिन बनाना होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा इस प्रकार से एक ऑप्शन, आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है वेरीफाई योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसको यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे
सेट योर 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन का एक ऑप्शन फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना पिन सेट कर लेना है, आपको नया पिन सेट कर लेना है और उसको याद रखना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आप लोग देखेंगे एन एरर अक्यूर्ड वाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू स्टार्ट द EKYC प्रोसेस अगेन, यानी कि फिर से आपको EKYC का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लेना है। फिर जैसे ही आप लोग वो प्रोसेस करके यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ DigiLocker, इस प्रकार से जो पेज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेनी और अलाउ का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, तो आपको डेनी वाले पर क्लिक नहीं करना है, आपको अलाउ वाले पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग अलाउ वाले पर क्लिक करेंगे EKYC हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीट, इस प्रकार से आप लोगों को मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन कैसे करना है उसके बारे में, और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का प्रोफाइल अपडेट करते हुए EKYC कैसे करना है इसके बारे में मैंने आपको इस चैट की मदद से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।